जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात कर लेते हैं कि 23 अगस्त का जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चनों पर स्टूडेंट आपत्ति लगा रहे हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अपना वीडियो देख, कितने प्रश्नों पर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मेरे साथ वाले भी कुछ स्टूडेंट थे, कुछ आप जैसे भाई बहन जुड़े हैं मेरे साथ, उन्होंने मेरे पास भेजे हैं कि ये इसका सबूत है और इस तरीके से मैं इन क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 23 अगस्त वाले में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं उन पर बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट है, और फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन है हमारा आसमान का रंग, इस पर भी कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन था, उसमें भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। एक मूक का अनेकार्थक, जो मूक का एक अनेकार्थक वाला क्वेश्चन था, इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है इस पर तो फुल मार्क मिलना है सबको। उसके बाद बात कर लेते हैं एक डायग्राम वाला जो माता पिता वाला था, उसमें भी आपको फुल मार्क मिलना है, इसमें तो भी प्रिंट गलत है। उसके बाद एक शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न था, उसमें भी बच्चे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी जिसमें हमें 5 ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिसमें बच्चे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इनके अलावा अगर आपके पास और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आपके पास और कोई ऐसे प्रमाण है कि हाँ ये भी क्वेश्चन गलत है या इसका प्रिंट मिस्टेक है या इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप मुझे वो भेज देना। और एक चीज बता दूं कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई भी गड़बड़ है तो भाई इंग्लिश को ही माना जाएगा, और अगर इंग्लिश को मान के उसका आंसर बोर्ड ने दिया है तो फिर इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने इंग्लिश को प्रेफरेंस नहीं दी। तो इस चीज में आप लोग कोई भी आप चाहें तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वरना जो बोर्ड है वो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की। देखिए ये 23 की सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न है। पहला माना था आयत वाला, आयत वाले में 13 माना है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 15 भी सही हो सकता है। लेकिन भाई इसमें दो वर्ग भी बन रहे हैं, उन दो वर्ग को हटाना है, आयत पूछा है, हो सकता है कि इसमें आप लोगों को नंबर ना मिले, लेकिन बच्चे ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो मैंने उसको नोट किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक अवयव वाला, अवयव वाले में ऑब्जेक्शन डालना है, एक साइकिल चालक वाला है, एक संप्रभुता वाला है, एक कर्ण का पर्यायवाची है। कर्ण के पर्यायवाची में दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए इसमें फुल मार्क मिलेगा। उसके बाद उत्तम पुरुष वाला है, और एक ये रेशियो वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद एक विशेषा वाला है, और एक वीरांगना वाला है। और उसके बाद बात कर लेते हैं एक डायग्राम वाला है जिसमें प्लस माइनस और सर्किल और त्रिभुज दिया हुआ है। तो एक हमारा ये क्वेश्चन है, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, अब समझ लीजिए इन 10 क्वेश्चनों पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं बच्चे। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे, सिर्फ आप लोगों ने बताई नहीं है। एक क्वेश्चन था मैथ में कोई रिटायरमेंट वाला, वो भी बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। एक 500 और 2000 के नोट में बताया था एक बच्चे ने कि 99.3 आंसर निकल रहा है, तो ये कोई ऑप्शन था नहीं, एक ये बताया। और एक एक्स वाई के पूर्व में, तो इसमें क्या हो रहा है 3 आंसर निकल रहे हैं। तो देखिए आप ये तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर निकलते रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन जिसपे आंसर का बदलाव देखने को मिल सकता है, 6 से 8 प्रश्न। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 प्रश्न है, तो ये बहुत बड़ी गलती है आयोग की, अपने यूपी पुलिस बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे गलत पाए जाते हैं और बच्चा अगर उन 6-7 क्वेश्चनों को देखता है तो आपको सोचिए ये क्वेश्चन कितने सरल है, और उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, इस पे टाइम वेस्ट करेगा, इस पे टाइम वेस्ट करने के चक्कर में उसका और ज्यादा लॉस हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर एक आध गलती होती है तो उसकी बात अलग है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पर आप खुद देखिए 6 से 8 गलतियां हो रही हैं। भाई कैसे हो रही हैं 6 से 8 गलतियां, इससे तो बच्चे का भविष्य भी खतरे में है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हर एक चीज इन्होंने गलत की है। भाई आप बनाते हो एक आध क्वेश्चन में मान सकता हूँ, हो सकता है गलती हो सकती है, लेकिन बनाने के बाद ऐसा थोड़ी है कि पेपर बनाया गया और सीधा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। भाई 10वीं बार तो चेक करते होंगे कि आपको गलती नहीं मिली, क्या आपने सॉल्व करके नहीं देखा, क्या आंसर की देने से पहले आपने चेक नहीं किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, 24 की शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन है जो आज आंसर की आ चुकी है, 24 की शिफ्ट में भी गलत है, और 24 की जो सेकेंड शिफ्ट है जो मेरी थी, आप देख लेना कम से कम 7 से 8 क्वेश्चनों पर उसमें ऑब्जेक्शन होगा, और मैं खुद करने वाला हूँ क्योंकि 24 का सेकंड मैंने दिया था तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन इन शिफ्टों में कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है आप सिर्फ उसी का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को 24 की शिफ्ट में कोई भी जो ऐसा क्वेश्चन है फर्स्ट या सेकेंड में आप लोगों को अगर मिल रहा हो कि ये गलत है, आपने आंसर की चेक कर ली होगी, तो मेरे पास जरूर भेजिए, और 11 बजे मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ें, और आप लोग अपने अपने नंबर बताएं कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं, मैं भी अपने नंबर बता दूंगा आप लोगों को कितने नंबर मेरे बने हैं। तो आज का ये हमारा 23 का था, सभी लोग ऑब्जेक्शन जरूर कर दें, और ये मत सोचें कि एक बच्चे ने कर दिया तो सबको इस शिफ्ट में मिल जाएगा नंबर, भाई मिल तो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि इस बच्चे ने जिसने ऑब्जेक्शन किया है
कि उसने पता नहीं क्या प्रमाण दिया हो, शायद आपके पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमाण हो। इसलिए सब लोग अपना अपना ऑब्जेक्शन करें, और अगर किसी प्रश्न में 100 से ज्यादा या 150 ज्यादा ऐसे मतलब बहुत ज्यादा नंबर पे ऑब्जेक्शन हो जाते हैं तो बोर्ड उस प्रश्न पे जरूर ध्यान देगा। लेकिन अगर अगर कोई एक प्रश्न है उस पे एक ही बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है, अगर बोर्ड अपनी मनमानी करना चाहा कि मैं इस दूसरे वाले जो अपने आंसर के साथ गए थे वही आंसर सही कर दे, तो भाई वो वैसे ही कर देगा और कोई उस पर बात भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब उसमें 100 से 200 1000 2000 ऑब्जेक्शन पड़े होंगे तो भाई किसी ना किसी ऐसे भाई का जरूर उसमें से प्रमाण होगा जिससे बोर्ड को वो चीज माननी ही माननी पड़ेगी, और उस पर फुल मार्क भी दे सकते हैं और आपका आंसर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को बुरा लग रहा होगा जिनका ये प्रश्न सही हो गए हैं और उन पे बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो बुरा लग रहा होगा, भाई बुरा लगेगा। लेकिन आपको सोचिए, अगर आपका वो सही है तो उसको सही ही माना जाएगा, तो इस चीज में बुरा और भला मत माने। अगर इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप उसको करने दीजिए, अगर आपका सही है तो बोर्ड उसको सही ही करेगा, लेकिन अगर गलत है तो भाई आपका नंबर कट जाएगा। और ये तो होना ही था, इसमें थोड़ी देर की खुशी के लिए कोई बात नहीं। जैसे अभी सब लोगों ने पेपर सॉल्व कराया था, एनालिसिस कराया था, अब एनालिसिस में क्या हुआ आप भी जानते हैं, पता है किसी किसी बच्चे के एनालिसिस देखते हुए 15% तक गलत हो गए हैं, 15%, और ये मायने रखता है भाई। जो 120 कह रहा था ना वो 100 भी नहीं बचा, और 15 तो ये गए, 15 के साथ 4 आपके माइनस चले गए, 19 और चले गए, अब 19-20 अगर आपके और कम हो जाएंगे 120 वाले 100 भी नहीं बचे, ये अंतर आ रहा है। जिसके 100 था उसका 80 बचा, 22 समय जो एवरेज मार्किंग कल मैंने आप लोगों को देखा था, कल 12 से 15 हज़ार लोगों का एवरेज लिया गया था, एवरेज मार्किंग कितनी थी भाई, 85 एवरेज मार्किंग निकलेगी। आज का एवरेज मार्किंग मैं 11 बजे लाइव आऊंगा, 11 बजे निकलेगी, तो सभी लोग मेरे साथ जरूर लाइव पे जुड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अभी भी कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, मैं उस चीज़ को देख लूंगा कि हाँ ये प्रश्न ऑब्जेक्शन के लाइव है कि नहीं, और आपको रिप्लाई दे दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रेस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं वो नहीं हूँ कि आपको कह दिया कि भाई ये सही है, 15-20 गलत करा दिए, कुछ नहीं फंसा भाई, आपकी रेस तैयार करवा के रहूंगा मैं किसी भी तरीके से। और बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप बनने वाले हैं, मेल का अलग फीमेल का अलग, रेस से संबंधित समस्या जो आप लोगों को आती है उसको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, हर एक बच्चे का रेस निकलेगी। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बनेंगे मैं उसमें पहले ही बता दूंगा कि भाई जिसके इतने प्लस वाले नंबर हैं वो लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और अपनी रेस लगाएं, भाई बस उतने ही लोग उसमें जुड़ेंगे, मैं पहले ही कट ऑफ निर्धारित कर दूंगा कि इतने से ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएं। और ऐसे ही फीमेल के लिए एक अलग ग्रुप होगा, सभी को हर एक गाइडेंस मिलेगी। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल पाएगा। मैं कैसी बहुत है ये मत सोचे किसी का फायदा हो जाएगा किसी का नुकसान हो जाएगा, जब आप दूसरे का फायदा करोगे तो आपका अपने आप ही फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।